वो राजनीति के जादूगर हैं। उन्हें गांधीवादी विचारधारा का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। वो धर्मनिरपेक्षता और एकता में अनेकता के सबसे बड़े हिमायती भी हैं। वो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है, मगर ये 2 साल राजस्थान कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आसान नहीं रहे। कभी सरकार संकट में आई तो कभी पार्टी, मगर वो अशोक गहलोत की सूझबूझ और राजनीतिक सामर्थ्य था जिसने कांग्रेस सरकार को डूबने से बचा लिया। पिछले 6 साल में कई राज्यों में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के हाथ से बनी बनाई सरकार को छीनकर खुद की सरकार बनाती आई बीजेपी भी गहलोत के आगे पस्त होती दिखी। चाहे राज्यसभा चुनाव हो या पार्टी के नेताओं की बगावत, चुनौती विपक्षी पार्टी बीजेपी की हो या अंदरूनी कलह की, अपनी राजनीतिक कुशलता और सामर्थ्य से अशोक गहलोत ने न सिर्फ अपनी सरकार पर आए संकट को टाला, बल्कि हर मौके पर देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में भी खड़े नजर आए। जिन मुद्दों पर विपक्ष के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता भी खुलकर नहीं बोल सके, उन मुद्दों पर भी अशोक गहलोत बेबाकी से अपनी राय रखते चले गए। चाहे CA, NRC हो या धारा 370, लव जिहाद अध्यादेश हो या हॉर्स ट्रेडिंग, आज अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मसलों पर खुलकर बोलते नजर आए हैं। हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाए जाने पर जहां कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री या नेता चुप्पी साधे थे, वहीं अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया। गहलोत बोले कि लव जिहाद भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में खड़ा नहीं होगा। लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। इसी तरह पिछले वर्ष CA NRC के खिलाफ भी गहलोत खुलकर सामने आए। इसके विरोध में गहलोत ने मार्च निकाला और साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में नागरिक संशोधन विधेयक कानून और ना NRC लागू होने वाली है, ये मैं कह चुका हूँ, खुले रूप में कह चुका हूँ। अरे मोदी जी सुनो, मोदी जी सुनना चाहिए आपको। कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा था, धारा 370 या नागरिकता संशोधन विधेयक को रद्द करने के लिए विपक्ष को बोर्ड पर नहीं लिया गया था, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, कम से कम विपक्ष अपने विचार रख सकता था। वोट बैंक की खातिर एक ओर जहां कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोप लगते रहे, मगर अशोक गहलोत ने कभी भी अपने तेवर और तरीकों में बदलाव नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हिंदू वोटों को रिझाने के लिए जो गलतियां राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने की, वो अशोक गहलोत ने कभी नहीं की। गहलोत अपनी गांधीवादी नेहरूवादी विचारधारा पर टिके रहे। उन्होंने जब भी बात की तो संविधान और लोकतंत्र पर बढ़ रहे खतरे बताए और इसे बचाने की बात कही। राजस्थान में बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट नहीं होने के बावजूद भी गहलोत अपने सेकुलर स्टैंड से नहीं हटे। मंदिरों में गए तो मस्जिदों में भी मत्था टेका। अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिमों के प्रति उनकी नीतियां स्पष्ट रहीं। हाल ही में अशोक गहलोत ने राजस्थान में मदरसों के निर्माण का 90% खर्चा सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की। इससे पहले गहलोत सरकार सांगानेर में हज हाउस बनाने की ओर कदम भी बढ़ा चुकी थी। राजस्थान में 2018 में 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया जिसमें से 8 जीते। गहलोत सरकार में एक मंत्री मुस्लिम भी है। राजनीतिक विशेषज्ञों और संविधान के जानकारों को भी अशोक गहलोत को लेकर कुछ ऐसी ही राय है। वो मानते हैं कि राजस्थान में ऐसा नहीं कि मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या हो, जबकि मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी रहा है, मगर इन सब के बावजूद वोट बैंक राजनीति से ऊपर उठकर लगातार भारतीय संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की बात करना अशोक गहलोत को सबसे अलग और खास बनाता है।